वेलकम बैक। किंग खान है वो, किंग खान कोई शक बॉस इस वक्त पर किंग खान इज ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज एक महीना एक तो कंप्लीट हो चुका है जवान को, आज है डे नंबर 30। आज का दिन पांचवा फ्राइडे, इस फ्राइडे को क्या कुछ ट्रेंड्स आते हुए लग रहे हैं, आज के दिन की एडवांस बुकिंग क्या है। वैसे एडवांस बुकिंग तो अभी इस वक्त तो बात करने का फायदा ही नहीं, क्योंकि अभी कलेक्शंस के बारे में बात करना ज़्यादा जरूरी है। और साथ साथ में बात करेंगे शो काउंट्स को लेकर, अब क्या न्यूज़ आ रही है, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल कर लो फटाफट सब्सक्राइब। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले, ये जो है ना किंग खान, ये चाहे बॉर्ड लुक में आ जाएँ, चाहे लंबे बालों में आ जाएँ, चाहे किसी भी लुक में आ जाएँ, इनके फैंस जो हैं वो दिन दुगने रात चौगने बढ़ते चले जा रहे हैं। एक मैंने वीडियो देखा है टीम मुंबई फैन क्लब ऑफ शाहरुख खान में का, जो कि आज का वीडियो था। आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट दीज बंच ऑफ फैंस, इतने सारे जो फैंस हैं, इन्होंने प्रॉपर केक कटिंग करी है अबाउट वन मंथ ऑफ जवान। सिर्फ इन्होंने ही नहीं, आई एम श्योर पता नहीं कितने सारे फैन क्लब जो हैं, ऐसा के यूनिवर्सेज जो हैं, ये सारे के सारे यूनिवर्सेज आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं किंग खान का एक मंथ, वन मंथ। और वैसे भी अब किंग खान का बर्थडे आने वाला है, उसकी जो है ना तैयारी अलग लेवल की होगी, क्योंकि इस बार पहले जवान और आगे आ रही है डंकी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है मैंने क्या देखी, वो ये देखी कि जवान के सेलिब्रेशन में डंकी का, कांट वेट फॉर डंकी का पोस्टर में एक यू नो ग्राफिक था, विच मीन्स कि जवान के साथ साथ ही डंकी का प्रमोशन जो है ये फुल स्विंग पर चल रहा है। भाई एक ज़माना होता था फिल्में जो है वो आती थी तो उनसे पहले जो है अलग से प्रमोशन करना पड़ता था और उस पर अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट होता था, लोग खर्चा भी करते थे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू शाहरुख खान, पहली चीज़ तो ये उनको किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं, किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, और दूसरी चीज़ ये भाई साल में दो हज़ार हज़ार की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देने के बाद अब डंकी सामने खड़ी हुई है, जो उस डंकी को मतलब किसी भी 1% के प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कल रिलीज़ हो जाए, कल के कल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है शाहरुख खान का। सो दिस इज़ मैड क्रेजी। ओके चलिए, तो अब इस एक महीने में जवान का रन क्या था, पहले एक छोटा सा रिकैप करेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं है ये, ठीक है, छोटा सा रिकैप करेंगे। भाई मुझे याद है कि जवान रिलीज़ होने से कम दो महीने पहले से मैंने एक काउंटडाउन चला के रखा था अपने चैनल पर। हम लोग डेली वीडियो बनाते थे जवान के ऊपर, डेली, चाहे कोई यूनिट आए या ना आए, प्रमोशन हो या ना हो, रेड चिली कुछ बोले या ना बोले, हम लोग बोलते थे, बात करते थे और सेलिब्रेट करते थे जवान को। उसके बाद जब फिल्म रिलीज़ होने जा रही थी, डे वन कलेक्शन की एनालिसिस इतनी हुई हैं कि डे वन पर इतना कर लेगी, उतना कर लेगी, और कसम से हर एनालिसिस को झुटलाते हुए जवान इतनी आगे पहुँच गई डे वन पर। जब हमने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, उसके बाद जिस तरीके से कलेक्शंस आई, इट वॉज मेनिया। आई रिमेंबर दैट डे, इट वॉज मेनिया। और उसके बाद मतलब दिन दुगनी रात चौगनी जो कलेक्शंस आई, हमने देखा है कि 24 घंटे मतलब एक घंटे में टिकट बुकिंग रेट 80,000 तक गया है, 80,000 टिकट्स इन जस्ट वन आवर, बल्कि उससे ज़्यादा भी गया होगा, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिर उसके बाद ये चलता रहा सिलसिला, और इसने 18 दिनों के अंदर अंदर 1,000 करोड़ की कलेक्शन करके दिखाई। फिर वहाँ से अब 1100 करोड़ भी क्रॉस हो चुका है, अब नज़र टिकाकर बैठी है 1200 करोड़ पर वर्ल्ड वाइड। नाउ द थिंग इज, इस बीच में जवान ने मेरे ख्याल से कम 20 से 25 यूनिक रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिसमें फास्टेस्ट 500, फास्टेस्ट ऐसे वाले, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 300, फास्टेस्ट 500, ऐसे वाले न जाने कितने रिकॉर्ड्स बनाए, आज भी वो कायम है। क्यों? क्योंकि आज भी जवान की कलेक्शन टॉप पर है। तो भले ही आज डे नंबर 30 पर जो भी नंबर आता है, जो कुछ भी कलेक्शन आती है, मैं आपको बता देती हूँ पहले जिस्ट में, शॉर्ट में, वो ये कि आज के दिन डे नंबर 30 पर, और जो कि फ्राइडे है, फुल वर्किंग डे है, पांचवा फ्राइडे, इस दिन पर जो कलेक्शन का प्रेडिक्शन आ रहा है, दैट इज़ कमिंग इन एज 1 करोड़, विच इज़ फाइन। ठीक है, अब तो इस पर कोई चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एडवांस बुकिंग ही ज़्यादा अभी इस वक्त पर नहीं हो रही, और जितना कलेक्शन, जितना कूटना था ना बॉक्स ऑफिस को, कूट चुकी है जवान, अब तो जो है वो लेफ्ट राइट सेंटर बोनस चल रहा है। तो अब भी अगर 1 करोड़ ऑन अ वीकडे आता है, इट इज़ अ ह्यूज डील। एंड देन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस। मैं अब इंतजार कर रही हूँ, बहुत दिन हो गया पोस्टर नहीं आया, वो पोस्टर देखकर ना दिल खुश हो जाता है। जैसे कल एक YRF ने पोस्टर बनाया, और YRF मैं अलग से इसके ऊपर बोलूँगी, लेकिन बट अभी यहाँ पे छोटा सा आपको ये बताना चाहते हैं कि YRF का काम भाई ऐसा होता है ना, चाहे वो पोस्टर ही हो, आप मुझसे पूछोगे YRF, आई वुड बैक फॉर YRF। ऑफकोर्स रेड चिलीज़ है, और रेड चिलीज़ YRF शाहरुख खान, ये फिर से प्लस राजकुमार हिरानी फिर से आ रहे हैं हमको सरप्राइज़ करने के लिए ऑन 22nd of December। सो इस सबके बाद अगर आज 1 करोड़ आ जाता है, तो अभी तक इंडिया नेट कलेक्शन जो है जवान की हो जाएगी 618.2 करोड़, और जो सबसे
अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि शो काउंट्स में कोई डिक्लाइन नहीं आया है. शो काउंट्स का जितने थे, अगर दिल्ली एनसीआर में 470 समथिंग थे, अभी भी उतने ही हैं. दैट्स अ रिलीफ, दैट्स अ साई ऑफ रिलीफ. ऑल्दो अभी आज के दिन कुछ फिल्में रिलीज हो रही हैं, हुई हैं, बट दे आर नॉट बिग बजट फिल्म्स. सो मुझे लगता नहीं है कि जवान के शो काउंट्स पर कोई फर्क पड़ेगा. आपको क्या लगता है आज 1 month होने के बाद आपकी क्या फीलिंग है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. जस्ट फर्स्ट और फाइन शेयर.